दोस्तों ये शायर उर्दू का शायर ही नहीं, मेरी निगाह में उर्दू का मुहक्किक भी है। उसकी कामयाबी की दलील ये भी है कि वो बातों बातों में बात बनाने का हुनर जानता है। मेरी मुराद है जिसे अहले अमरावती जावेद इशाती के नाम से जानती है। मैं इन मिसरों से उनको आवाज देता हूँ कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको भुलाने वालों की उम्रें गुजर गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। जावेद इशाती ग्रामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अस्सलामु कबलल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। मैंने सलाम किया, आप हजरात की खिदमत में कोई चंदा अंदा नहीं मांगा। मैं एक मरतबा सलाम करता हूँ, आप तमाम हजरात को जवाब देना है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आर्मी की सरजमीन पर अहले इल्म हजरात की मौजूदगी में खड़ा हूँ। आइए दोस्तों, मेरे पास अल्फाज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में सफ़र होता है इस नाचिस का, बहुत कम इस तरह की महफिलें हमें देखने को मिलती है कि जहाँ खालिस शायरी सुनी जा रही है जहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, मेरे जितने भी मेरे भाइयों ने, मेरे शोरा ने जो आप हजरात को शायरी सुनाई, आजकल मुशायरों में शायरी वायरी कुछ नहीं। बेशक एक तो अभी बड़े साहब जो हमारे मुल्कों के प्रधानमंत्री है, उनके कसीदे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं सब भगा कर रखता हूँ अपनी जेब में। इधर योगी है, इधर मोदी है, और परवीन तुगड़िया साक्षी महाराज पैंट के जेब में है। और अब इस पर आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं अमेरिका के सदर को कहाँ रखता होगा। लेकिन आज ये सब मैं चूरन नहीं बेचूंगा, वाह 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 वाह, ये चूरन नहीं बेचूंगा। मुझे सारे हथकंडे आते हैं। मैं 14 साल से दोस्तों इस डाइस पर हूँ। एक सेकंड बहुत हो गया मुशायरा। पीछे के जो लोग बैठे हुए कुर्सियों पर, वो मजबूर हो जाते हैं तालियां। मैं तालियां बहुत बजवा सकता आपसे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज मेरे भाई के एजाज़ में फारूक ज़िया, जो आपके इस मिट्टी का जिससे ताल्लुक है, इस नौजवान आजकल पूरे हिंदुस्तान में आपके इस शहर का नाम रोशन कर रहा है, एक मरतबा मेरा दिल ये चाहता है कि फारूक ज़िया के लिए और जिन हजरात ने इस मेरे भाई की मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, सवारा है, एक मरतबा जोरदार तालियां बजा दीजिए। चले इजाजत है। बहुत खूब जावेद भाई, तो मुझे तालियां बजाकर बताएं मुझे पढ़ना है या नहीं। अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। हर मौजू का हर कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जिस मौजू पर मेरे भाइयों ने शेर नहीं कहे। मैं परेशान हो गया, मुझे क्या करना है। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंचती रही तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ कर जाऊं। आइए, मेरी एक खुशनसीबी भी है कि मेरे पीरो मुर्शिद आपके सबके अपने पीरो मुर्शिद हमारे मुशफी को मुरब्बी हमारे मोहसिन आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, इज्जत माप जनाब मुन्ना बाबा कादरी साहब। मैं आइए दो शेरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मनकबत के दो शेर है जी, बाबा शेर सुनिएगा और मुझे ये चार मिसरे बताएंगे कि मुन्ना बाबा से कितनी मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। सुने, थोड़ा बेदार हो जाएं अब। अब मैं हूँ, आप है, मुझे कितनी देर आपकी खिदमत करनी है, मेरी ये शायरी बताएगी। सुने, चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाए। मैं परेशान था, दिल भी हैरान था, तूने दर पे बुलाया, मजा आ गया। अब इस मजमे में बाद ऐसी भी भाई हो गए कि उनके पीर दूसरे हो गए, लेकिन जो मुन्ना बाबा के हाथ पर बैठ हैं तो वो लेकिन आप मेरे पीर हैं, तो मैं ये अपने लिए चार मिसरे पढ़ रहा हूँ। सुनिए बाबा, मुलायदा फरमाए। अगला मिसरा मुझे बताएगा कि आप मुन्ना बाबा से कितनी मोहब्बत करते हैं। समाप्त करें।
मैं परेशान था दिल भी हैरान था, तूने दर पे बुलाया मजा गया। मैं परेशान था दिल भी हैरान था, मैं परेशान था दिल भी हैरान था, तूने दर पे बुलाया मजा गया। क्या मेरे मुन्ना पिया तेरे दरबार में, मेरे मुन्ना पिया तेरे दरबार में, वो सुकून मैंने पाया मजा गया। बहुत अच्छा है जावेद इशाती, वाह वाह वाह। अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं परेशान था दिल भी हैरान था, तूने दर पे बुलाया मजा गया। मेरे मुन्ना पिया तेरे दरबार में, मेरे मुन्ना पिया तेरे दरबार में, वो सुकून मैंने पाया मजा गया। और दोस्तों देखिए, हमारे उलमा की, हमारे नबी की हमें ये तालीम है कि अपनी जिंदगी की लगाम किसी न किसी बड़े के हाथ में दे देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी ने अगर अपना राहबर, रहबर और रहनुमा नहीं बनाया होगा, तो दोस्तों वो ज़रूर किसी मोतबर आलिम दीन या किसी अल्लाह वाले के हाथ पर बैद हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी दोस्तों खतरा नहीं आ सकता। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, फरमाए। रूबरू मेरा मुर्शिद था कल ख्वाब में, मुझको ताबीर इसकी बताए कोई। शेर सुने बाबा। रूबरू मेरा मुर्शिद था कल ख्वाब में, मुझको ताबीर इसकी बताए कोई। रूबरू मेरा मुर्शिद था कल ख्वाब में, कोई। आहा। उसने जावेद मुझको भरी बज़्म में, उसने जावेद मुझको भरी बज़्म में, अपना कहकर बुलाया मजा आया। रूबरू मेरा मुर्शिद था कल ख्वाब में, मुझको ताबीर इसकी बताए कोई। उसने जावेद मुझको भरी बज़्म में, अपना कह कर बुलाया मजा आ गया। और दोस्तों ये मेरे ऊपर फर्ज था, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। आइए मैं अब कुछ वो सुनाना चाहता हूँ जो आप हजरात चाहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि शायरी सुनना चाहते हैं या मुशायरा बाजी सुनना चाहते हैं। भाई कोई गजल सुना दे आप। हाँ, मोदी सुनना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, गजल सुनाओ। अच्छा ठीक है, हमारे आशिक चचा का हुक्म है कि मोदी जी के लिए भी कुछ पढ़ दीजिए। अरे जो भाई, जो मुल्क का प्रधानमंत्री अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो आप कहाँ उसके लिए सुनना चाहते हैं। सुने दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे भाइयों ने माँ पर भी शेर कहे, मैं दो शेर पेश करता हूँ। मुलायदा फरमाए, अगर बात सच्ची और अच्छी लगे तो भरपूर आपकी दुआएं तालियों की शक्ल में मुझ तक महसूस होना चाहिए। मुलायदा फरमाए। मुझको ये एहसास मेरे बेटे ने दिलाया पहली बार। बहुत अच्छा है जावेद इशाती। मुझको ये एहसास मेरे बेटे ने दिलाया पहली बार। गुर्बत के दिन कट जाएंगे,
ये समझाया पहली बार। सुने दोस्तों, डाइस से भी थोड़ी तवज्जो चाहता हूँ न्यास जी, जी अमातन को शेर पढ़ा, तूने शेर सुन। मुझको ये एहसास मेरे बेटे ने दिलाया पहली बार, गुर्बत के दिन कट जाएंगे ये समझाया पहली बार। प्यार भरी आवाज को सुन के हूरो गिल माझूम उठे, प्यार भरी आवाज को सुन के हूरो गिल झूम उठे। माने अपने माने अपने बेटे को जब कलमा पढ़ाया पहली बार, प्यार भरी आवाज को सुन के क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। माने अपने बेटे को जब कलमा पढ़ाया पहली बार। आइए दोस्तों, मैं गजल पढ़ना चाहता हूँ। गजल से पहले एक मसला दोस्ती शेरा सुन लीजिए। असल में माइक आवाज खींच रहा है, वो खींचता है तो मेरे गले पर उसका रिएक्शन होता है। जी पढ़िए भाई साहब, सुनिए आप, अता अगर है सुने कि एक मर्तबा तालियां बजा दीजिए मेरी हौसला अफजाई। जी पढ़िए जावेद भाई। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे, हाँ हाँ, जुल्मतों में सितारे उतरने लगे। थोड़ी देर के लिए आप तमाम हजरत माजी में जाइए और फिर माजी में जाकर माजी को और आज के जो हाल है हमारा, इस हाल को अपने जहन में रखे। क्योंकि दोस्तों, जब भी हमने दुश्मन को नेस्त नाबूद किया या दुश्मन को हराया तो सादात के भरोसे पर नहीं बल्कि दोस्तों इत्तेहाद के भरोसे पर। और आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हम जो जलील व खार हो रहे हैं, तो दोस्तों हम अकाइद में बटे हुए हैं। हमारे अंदर का जो हाथ वो मुंतशिर हो चुका, वो बिखर चुका। मैं मतलब करता हूँ मुन्ना बाबा मुलायदा फरमाए। जुल्मतों में सितारे उतरने लगे, जुल्मतों में सितारे उतरने लगे, कल तलक एक थे, कल तलक एक थे, अब बिखरने। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, कल तलक एक थे बिखरने लगे। बहुत अच्छे जुल्मतों में सितारे उतरने लगे, जुल्मतों में सितारे उतरने लगे, कल तलक एक थे अब बिखरने लगे। और यहाँ पर 313 जो जंगे बदर का वाकिया है, हमारे 300 साहबा जो थे उनको मद्देनजर रखते हुए भी शेर पढ़े गए। मैं भी एक शेर पेश करता हूँ मुलायदा फरमा। जी पढ़िए साहब। 313 लड़ते थे तूफान से, 300 नहीं, मख्तर खादमी साहब बुरहानपुर के एक बहुत बड़े शायर है, उनका एक शेर है कि तादाद यूं तो थी 313 की मगर, तादाद यूं तो थी 313 की मगर, जब हमला जन हुए तो हजारों पे छा गए।
बहुत अच्छा है। तो दोस्तों वो 313 के इतिहास को आप हजरात अपने जहन में रखें, और आज हमारा हमारे मुआशरे का खुसूसन इस मुल्क की जो हालात है उसको अपने जहन में रखें। मुलायदा फरमाए 313 लड़ते थे तूफान से, 313 लड़ते थे तूफान से, और हम तो हवाओं से डर। क्या कहने, वाह 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 वाह, और हम तो हवाओं से डरने लगे। बहुत अच्छा है जावेद शाती, जिंदाबाद। जो कभी सामने सर उठाते न थे। दोस्तों संघ परिवार को आप हजरात अपने जहन में रखें, कोई वक्त नहीं थी, लेकिन हमारे आपस में जो हमारे अंदर से जो इतिहास टूट चुका है ये उसी की बदौलत है कि वो सर चढ़कर बोल रहे हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। शहीद नहीं होते तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती हिंदुस्तान में। मुलायदा फरमाए, और हमसे ये कहा जा रहा कि आप इस मुल्क के वफादार नहीं, आप इस मुल्क के वफादार नहीं बल्कि गद्दार है। सच्चाई है कि तारीख गवाह है कि जब भी इस मुल्क को खून की जरूरत पड़ी हमी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मैं कहता हूँ मुलायदा फरमाए, जो कभी सामने सर उठाते न थे, जो कभी सामने सर उठाते न थे, वो भी हमसे सवालात कर। बहुत अच्छा है जावेद शाती, बहुत अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब। सामने मुबारक हो, मुबारक। उठाते न थे, आपकी काम चल रहा है लगता है, आपकी जेब पर तो जीएसटी नहीं शुरू नहीं हुई भाई, मेरी भी बाल बच्चे हर बार चले। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे भाई जी पढ़िए पढ़िए साहब, तुम्हारी रिश्ता है आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे जावेद भाई, इतने आपकी शायरी इतने दिलों पे असर कर रही है जावेद भाई कि लोग सकते में आ गए हैं और उस उतना ही नहीं कर पा रहे, क्या करे, इतनी शायरी दिल पे असर कर रही है आपकी। ऐसी कोई खास बात नहीं, अगर काला धन जैसा तलाश कर रहे हैं, जैसा हमारे मुल्कों के एक बाबा है, पता नहीं क्या नाम है उनका, रामदेव बाबा, वो तो ला नहीं पाए, हो सकता आपके पास हो, मेरे पास दे दो, कम से कम मैं मशहूर हो जाऊंगा कि भाई काला धन महबूल भाई के पास से मिल रहा है। चले मुलायदा करें जी, बढ़िया साहब। कभी सामने सर उठाते न थे, वो भी हमसे सवालात करने लगे। बहुत अच्छा है जावेद भाई। हम नौजवानों की तादाद तो मुझे कम नजर आ रही, लेकिन शेर हो गया। मुलायदा फरमाए, मैं मोहब्बत का जब से हुआ आईना। क्या कहने, मैं मोहब्बत का जब से हुआ आईना। हंसी के साथ शेर सुने, क्या बात है, क्या बात। मैं मोहब्बत का जब से हुआ आईना, मैं मोहब्बत का जब से हुआ आईना, देखो कर मुझको वो भी सब। क्या कहने, वाह भाई वाह, गजल का बहुत हसीन शेर, गजब, बहुत अच्छा है। मैं मोहब्बत का जब से हुआ आईना, देख कर मुझको वो भी सवरने लगे। अरे गजल के दो तीन शेर और हाजिर कर देता हूँ, फिर इसके बाद इजाजत। मुलायदा फरमाए जी, शायरी सुनना चाहते ना, तो चले एक रोमांटिक गजल पेश करता हूँ, मतलब सुनो। ये तन्हाई सुहानी रात की अच्छी नहीं। क्या कहने, ये तन्हाई सुहानी रात की अच्छी नहीं लगती। दोस्तों अलीगढ़ के एक बहुत मशहूर मारूफ शायर थे दानिश अलीगढ़, वो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। उनके बड़े मशहूर मारूफ चार मिसरे मुझे याद आ गए,
शेर तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से, चौके दीदार दे रहा है सदा, मिलने आजा किसी बहाने से। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब माला। तन्हाई सुहा हर हर उम्र में जवान होता है चचा, अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ, ये तन्हाई सुहानी रात की अच्छी नहीं लगती, जुदाई तेरी है नीलम परी। क्या कहने जावेद भाई, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा मतला। जुदाई तेरी नीलम परी अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, जुदाई तेरी है नीलम परी अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर। और शेर मुलायदा फरमाए, मैं पैकर हूँ मोहब्बत का, मेरा पैगाम उल्फत। मैं पैकर हूँ मोहब्बत का, मेरा पैगाम उल्फत है, मोहब्बत का मेरा पैगाम उल्फत है। मैं पैकर हूँ मोहब्बत का, मेरा पैगाम उल्फत है, मोहब्बत में मुझे ये बहुत अच्छा शेर है। और दोस्तों मैंने दो शेर इसलिए सुनाया आप हजरात को कि मुझे खालिस ये शेर पढ़ना था जी। सिर्फ तीन शेर आपको सुनना है, इसके बाद इजाजत, आप भी आराम करें, हम भी आराम करेंगे जी। पढ़िए सर, पढ़े पढ़े जावेद सर। मोहब्बत में मुझे ये दुश्मनी अच्छी नहीं लगती, दुआओं की हंसी सौगात ही देकर रवाना। हाँ 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 हाँ, दुआओं की हंसी सौगात ही देकर रवाना कर कहे गए। दोस्तों शाहिर शहरी नैनीताल के एक शायर है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत से एक शेर गावा कि मैं लौटने के इरादे से, मगर मैं लौटने के इरादे से कहने जावेद जा रहा हूँ, मगर सफर सफर है मेरा इंतजार मत कर। क्या कहने, लौटने के इरादे से जा रहा हूँ मगर। बहुत अच्छा है जावेद इशाती, जावेद इशाती मुझे चार मिसरे याद आते हैं कि मुसाफिरों का कभी एतबार मत करना, जहाँ कहा था वहाँ इंतजार मत करना, मैं नींद हूँ मेरी हद है तुम्हारी पलकों तक, बदन जला के मेरा इंतजार मत करना। बहुत अच्छे शेर पढ़ रहे जावेद, लौटने के इरादे से जा रहा हूँ इकबाल, सफर सफर है मेरा इंतजार मत करना। शेर सुने, दुआओं की हंसी सौगात ही देकर रवाना कर, दुआओं की हंसी सौगात ही देकर रवाना कर, दुआओं की हंसी सौगात ही देकर रवाना कर, मेरी माँ तेरी आंखों। क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत खूब जावेद भाई। बाबा जान दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत 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 मुबारकबाद के मुस्तहिक है जावेद भाई, बहुत अच्छा शेर। एक बार जावेद इशाती के लिए ताली ताली बजा दीजिए। कर रवाना कर, मेरी माँ तेरी आंखों में नमी अच्छी नहीं लगती। और गजल का आखिरी शेर मुलायदा फरमाए जी। खबर खुद की नहीं जिनको, जो मंजिल से नहीं
वाकिफ हूं। क्या कहने पब्लिशर है फारूक जी आखिरी शेर गजल का इरशाद खबर खुद की नहीं जिनको जो मंजिल से नहीं वाकिफ खबर खुद की नहीं जिनको जो मंजिल से नहीं वाकिफ हमें उन रहबरों की रहबरी क्या कहने बहुत अच्छा है हमें उन रहबरों की रहबरी अच्छी नहीं लगती क्या कहने अच्छी नहीं लगती और गजल का मुक्ता पेश करता हूँ जी इरशाद वाली ये तन्हाई सुहानी रात की अच्छी नहीं लगती हमेशा दर्स दे कर जो अमल से दूर रहते हैं क्या कहने हमेशा दर्स दे कर जो अमल से दूर रहते हैं हमें जावे उनकी बात भी क्या कहने वाह 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 हमें जावेद उनकी बात भी अच्छी नहीं लगती आहों की हंसी सौगात ही देकर रवाना कर मेरी माँ तेरी आँखों में नमी अच्छी नमी अच्छी नहीं लगती।